ग्लासियस टेस्टी बाउल। आज हम कैप्सिकम पोटैटो की सब्जी बनाएंगे एक नए स्टाइल में। आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स फ्लटर हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के पोटैटोस लिया है, वो ऐड कर देंगे इसमें। मैंने पोटैटोस यहाँ ऑयल में इसीलिए ऐड किया है ताकि हमारे पोटैटोस जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। अभी जब तक ये पोटैटोस कुक होते हैं, इन द मीन वाइल हम एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच का जिंजर लिया है और थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, 1 ग्रीन चिली और 2 मीडियम साइज के ऑनियन लिया है। अब इन सारे चीज़ों को हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पोटैटोस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अभी हम इसमें ये जो पेस्ट हमने ग्राइंड किया था ये पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। ये ऑनियन का पेस्ट जो हमने अभी इसमें डाला है ये लिड लगा के हम 5 मिनट्स तक कुक करेंगे। ये ऑनियंस का कलर चेंज हो गया है, अभी 5 मिनट्स लगे हैं मुझे ऑनियन कुक होने के लिए इसमें। अभी हम टोमेटोस ऐड कर देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के टोमेटोस लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया था। इसमें अभी हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा जीरा पाउडर। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। इसी में अभी हम कैप्सिकम ऐड कर देंगे। कैप्सिकम मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स कैप्सिकम लिया है जिसको ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया था। अभी हम सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लिड लगा के 1-2 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए टोमेटोस अपना वाटर रिलीज कर रहा है इस पे। अभी हम इसी में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1 कप। अभी इसे स्लो फ्लेम पे हम 7 to 8 मिनट्स कुक होने देंगे ताकि कैप्सिकम जो हमने अभी डाला है इसमें वो अच्छे से कुक हो जाए। इसमें थोड़ा सा हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। लिड लगा के कुक होने देंगे। अभी ये देखिए 8 मिनट्स मैंने इसे कुक किया है, ये अच्छे से कुक हो गया है। आप कैप्सिकम को पूरा ओवर कुक मत कीजिए, थोड़ा सा 95% तक कुक कीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही रहेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। इसमें अभी हम लास्टली कोरिएंडर ऐड कर देंगे। ये बस सब्जी बनके रेडी हो गई है। अभी हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये सब्जी चपाती के साथ बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको ये सब्जी कैसे लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।